पढ़ाई के साथ साथ क्या क्या मिलता है यहाँ पे? फल फूल बैग बस्ता कापी कलम सब मिलता है। यानी सब कुछ जो भी जरूरत है सब मिलता है? यस सर। अच्छा, सारा चीज पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो आप जो है आज आए ट्रेनिंग ताइक्वांडो सर सिखा रहे थे, बढ़िया लगा? यस सर, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा, सीखना चाहोगे? हाँ ठीक है। आज हम मौजूद है जौनपुर जिले के धर्मापुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले एक छोटा सा गांव मोहद्दीनपुर में। मोहद्दीनपुर में यहाँ की एक युवा समाज सेवी है ऋषि यादव जी। ऋषि यादव कहते हैं कि अगर सेवा करना हो तो आप राजनीति में रहकर और राजनीति में रहकर किसी भी दल में कर सकते हैं सेवा, जरूरी नहीं है कि आप राजनीति करें। और एक ऐसे युवा साथी हमारे मौजूद हैं जो कि राजनीति से ज़्यादा सेवा को महत्व देते हैं, और सेवा चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे समाज सेवा हो, वह हमेशा बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो आइए जानते हैं उनका परिचय। क्या नाम है सर सबसे पहले? जी मैं ऋषि यादव, संचालक समाजवादी कुटिया जौनपुर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज समाजवादी कुटिया में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बड़े भैया, हम सबका सौभाग्य है, बहुत खुश हैं कि आज बच्चों को आत्मरक्षा आत्म सुरक्षा के लिए जो प्रशिक्षण दिए, इससे समाजवादी कुटिया के बच्चों के अंदर जो मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, और हम लोगों को बहुत खुशी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से भैया आज आके प्रशिक्षण दिए हैं, इससे हम लोगों के अंदर जो बच्चों के अंदर जो ताकत मिली है, जो प्रतिभा मिली है, आप खुद देख रहे हैं जब से भैया ने प्रशिक्षण दिया, लगातार बच्चे कुछ ना कुछ अपनी ऊर्जा के अनुरूप अपने कार्य को कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के दिशा निर्देश पर मार्च 2020 से लगातार समाजवादी कुटिया के माध्यम से गरीब असहाय बच्चों को निःशुल्क दूध बिस्कुट के साथ पौष्टिक आहार के रूप में दूध बिस्कुट निःशुल्क शिक्षा के साथ पूरी तरह से पूरे वो ऐसे बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे उनको गोद ले लिए। जी आप जो समझ सकते हैं, गोद समझ सकते हैं, जो भी समझ सकते हैं, जिम्मेदारी समझ सकते हैं, इन बच्चों को मैं अपने परिवार का अपना परिवार समझता हूँ। जिस तरह से इनको कापी किताब बैग जो भी सारी चीज़ होती है मैं उनके मुहैया करा। लगभग कितने बच्चे होंगे इस वर्तमान में? देखिए जो यहाँ पे बच्चे हैं समाजवादी कुटिया में, जब से लॉकडाउन लगा था जो मैं रजिस्टर मेंटेन किया हूँ, उसमें लगभग 300 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। बच्चे लगभग आते हैं, उसमें कम बेसी होते रहते हैं। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बच्चों से बात किए थे। बच्चों के लिए कापी किताब बैग आर्थिक सहयोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा भेजा गया था, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इन बच्चों से मिलने का भी वादा किए हैं। आप सबके प्यार आशीर्वाद से बहुत जल्द समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी समाजवादी वीडियो कॉल पर बात भी किए थे। जी बच्चों से वीडियो कॉलिंग बात किए थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बच्चों से बात किए थे। ऐसे समय में जहाँ पर लोग जो है केवल अपने काम से काम मतलब रखते हैं, अगर आप उनके लिए कहेंगे भैया 2 मिनट टाइम निकालेंगे तो कहेंगे हमारे पास टाइम नहीं है। ऐसे समय में आप बच्चों के लिए टाइम निकालें और ऐसा जो भाव मन में कैसे? जैसा कि मैं आपको बता दूं, मैं ऋषि यादव समाजवादी पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और समाजवादी पार्टी की स्थापना 4 अक्टूबर 1992 माननीय मुलायम सिंह यादव जी नेताजी ने इस उद्देश्य किए थे, इस ध्येय से किए थे कि पंक्ति में बैठे सबसे गरीब असहाय लोगों की मदद करना ही सच्चा समाजवाद है। तो मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, तो पार्टी की जो नीति है, पार्टी का जो उसका उद्देश्य था, उस उद्देश्य का काम करना मेरा नैतिक कर्तव्य है, मेरा नैतिक धर्म है, उसी चीज़ को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं अपने हिसाब से कार्यकर्ता के रूप में अपना कार्य करता हूं। अब जिस तरह से समाजवादी कुटिया पूरे लॉकडाउन में आज पूरे देश से लेके हर जगह से लेके जिस तरह से लोगों का प्यार सम्मान, आज आप सौभाग्य की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अगर आके समाजवादी कुटिया में प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो यह माननीय श्री अखिलेश यादव जी की देन है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी की देन है, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर ये आके आज यहाँ पर प्रशिक्षण कार्य बच्चों को दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं यह सारा कार्य आगे जो भी होगा हम लोग इसको आगे पूरी तरह से बढ़ाने का कार्य करेंगे। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं जो रहते तो हवा हवाई है लेकिन धरातल पर जमीनी हकीकत कुछ नहीं है? कागजों में बड़े बड़े वादे होते हैं बड़े बड़े नेताओं के द्वारा, बड़े बड़े समाज सेवियों के द्वारा, लेकिन ऐसे लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं जो हर तबके से मजबूत है लेकिन उन गरीब बच्चों असहाय लोगों को कुछ नहीं करते? जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना पसंद नहीं करता, मैं अपने आप पे अपने कार्य के ऊपर नहीं उन मतलब केवल कहना क्या चाहिए जैसे ऐसे लोगों के क्या आगे आना चाहिए जैसे मतलब अपने अपने गाँव में। जैसा कि मेरा जो उद्देश्य है इस तरह का कार्य अगर हर क्षेत्र में हो, और क्योंकि जब मैं लॉकडाउन में शुरू से कार्य शुरू किया तो बहुत से लोग शुरू किए फिर बंद कर दिए, शुरू किए बंद कर दिए, लेकिन लोगों के अंदर एक सोच निकली, एक ऊर्जा निकली, एक चाहत निकली। तो मेरा जो उद्देश्य था, मेरा यह उद्देश्य था इस तरह का कार्य अगर हर जगह होगा तो कहीं ना कहीं लोग जो जबे कुचले लोग हैं जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, पैसा के अभाव में शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जो बच्चों के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके अंदर प्रतिभा, अच्छी प्रतिभा है जो कि इस तरह से हमको देखने को मिलता है, और मेरी कोशिश रहेगी कि समाजवादी कुटिया का कोई भी बच्चा अगर आगे बढ़ेगा
तो आने वाले समय में उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना होगा। तन मन धन के लिए मैं पूरा समर्पित होकर उसके लिए मैं कार्य करूंगा और कहीं ना कहीं यानी वो जो भी करना चाहे, चाहे जिस फील्ड में जाना चाहे आप उनके साथ। मैं आपको कहता हूं कि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आपको, मैं पूरा अपने आत्मबल में विश्वास के साथ कहता हूं, समाजवादी कुटिया का कोई भी बच्चा और उसके अलावा भी अगर कोई बच्चा जो हमारे निगाह में हो, अगर इस तरह का कोई बच्चा किसी भी क्षेत्र का हो, अगर उसकी शिक्षा में अगर पढ़ाई लिखाई में रुचि है, अच्छा आगे बढ़ने की उसके अंदर क्षमता है, तो मैं कहीं ना कहीं किसी से मदद करा के किसी भी तरह उसको आगे बढ़ाने के लिए मैं कार्य करूंगा। इस चीज़ को मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति रखूंगा। कहीं ना कहीं उनका दिल बहुत बड़ा है, लोगों की मदद करते हैं। ये ऐसे ऊर्जा और प्रेरणा आप आखिर कहाँ से पाते हैं, किससे प्रेरणा मतलब लेते हैं? हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय नेता जी माननीय मुलायम सिंह यादव, यानी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी। जी 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 जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो हमारे और चैनल के दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप सभी लोग ऐसे जो भी लोग हैं जो संघर्ष की दुनिया में संघर्षशील है, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए लोगों के लिए अपना समय कीमती समय दे रहे हैं, आप लोग जरूर हमारे चैनल पर कमेंट करके बताएं ताकि हम जो है ऐसे लोगों तक पहुँच सके और जी और आवाज़ को जो है और ऐसे लोगों की आवाज़ के देश ही नहीं प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैला सके, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचा सके जी। और बात देना चाहता हूं अपने शुभम गुप्ता जी को जी। जो हमारे प्रिय बड़े भाई हैं जो लगातार हमारे इनका आप जान लीजिए, ये जनपद जौनपुर के शहर के कोने से लगभग आते हैं लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इनको सब लोग जानते हैं, जन जन तक इनकी पहचान है, क्योंकि जन जन तक पहचान इनके कार्य के दम पे है। देखिए शुभम जी, सबसे पहले हमसे गलती हुई तो हमें माफ कर दीजिएगा, आपको जो हम नहीं जानते थे जी। पहले हमारे बड़े भाई लोग हैं, उसके बाद हम हैं। पहले हमारे सर थे जो हमारे कोच है जिनके द्वारा हमने सीखा, फिर हमारे बड़े भैया ऋषि भैया हैं, उसके बाद तब हम लोग आते हैं। आखिर आपने धर्मापुर ब्लॉक के मोहद्दीनपुर ही नहीं बल्कि अगल बगल के गाँव में इतनी आसानी से इतनी जल्दी कैसे लोगों के दिलों में जगह बना ली, इस चीज को बताइए। जैसे मेरा एक वो एम होता है, लक्ष्य होता है कि मैं बच्चों को शिक्षित कर सकूं। मैंने भी यहाँ विद्यालय शुरू किया सेवई नाला में। जी जी, विद्यालय आपका चल। जी हाँ, मेरा विद्यालय है सेवई नाला में और मैंने जनपद में लगभग कई स्कूलों को शुरू किया और उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश की और मैं ये चाहता भी हूँ कि सारे बच्चे शिक्षित हों और जिनको जिस तरह की कोई भी तकलीफ होती है वो मुझसे डायरेक्ट कह सकते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट मिलकर आप मुझे बताएंगे तो मैं उस समस्या का निदान कर सकता हूँ और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि सारे बच्चे शिक्षित हों और उनको अच्छी शिक्षा मिल सके जिससे कि आज के अच्छे समाज का निर्माण हो सके। यानी ऐसा कोई भी बच्चा जिनको जरूरत है, कोई आर्थिक परिस्थिति कमजोर है, किसी भी कंडीशन में किसी भी फील्ड में ऋषि भैया के साथ साथ आप कंधा से कंधा मिलाए हुए हैं हमेशा, यानी कंधा से कंधा मिला के कह सकते हैं छोटे अनुज यदि आपको संज्ञा दी जाए तो हमारे हिसाब से बहुत कम पड़ सकती है। जो भी आप हमारे लायक जो भी सेवा हो जनपद जौनपुर में, आप कहीं भी आप जनपद जौनपुर जिले स्तर पे या ग्रामीण स्तर पे किसी भी स्तर पे आप कहेंगे तो मैं पूरी तरीके से खड़ा रहूंगा और पूरी तरीके से कोशिश रहेगी कि आपकी समस्या का निदान किया जाए, चाहे वो जनपद के जिले में हो चाहे आपके गांव में हो। मुझे आपको मेरा ये सौभाग्य रहेगा कि मैंने आपकी मदद की और आपके लोगों को संतुष्ट किया कि आप उस चीज़ से फ्री हो चुके, खुश हो गए और मुझे ये सौभाग्य मिलेगा कि हमने आपकी मदद की। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि आप जो भी काम कीजिए आप निस्वार्थ भाव से कीजिए, निस्वार्थ से करेंगे तो आपको इसका परिणाम कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। जरूरी नहीं है कि हर चीज़ के पीछे लालच हो और हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य हो, लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपकी वजह से दूसरा कोई खुश रहे। लेकिन आज भी बहुत से लोग देखते हैं केवल अपने लिए समय निकालते हैं, ये उनकी सोच है ना, अब सबकी सोच को बदला नहीं जा सकता, सबकी सोच अब पांचों उंगली बराबर नहीं होती, उसी तरह सबकी सोच एक बराबर नहीं होती, सब अपनी अपनी सोच से तरक्की करते हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि हमारी वजह से कोई परेशान ना हो और हमारी जितनी हो सके मैं दूसरों की मदद करके उनको खुश कर सकूं। यानी दिल में जगह बना लिए, लगभग पूरे धर्मापुर ब्लॉक में ये जगह बना के छोड़ेंगे ऐसा आप जान लीजिए, तो एक बार इनके विचारों को आप लोग जरूर शेयर करिएगा और धन्यवाद सर आपने हमें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मुझे भी बहुत अच्छा। आप ऐसे ही जगह बनाते रहे धर्मापुर के निवास, आप धर्मापुर और क्षेत्रवासी कभी भी आप जब भी आपको समय मिले हमारे विद्यालय पे आइए। हमारे विद्यालय के बारे में थोड़ा बताने के, मेरा विद्यालय यही सेवई नाला में है, आरबी इंटरनेशनल स्कूल जिनका महाविद्यालय भी चलता है, मैं वहाँ भी रहता हूँ। ठीक है, ठीक। और जनपद में अगर आपको मेरी क्लास जाननी हो तो नगर पालिका इंटर कॉलेज पे आ जाइए, अटाला पे है, बेबी कॉन्वेंट में है। ये स्कूल जो किस टाइप का है, मतलब सीबीएसई स्कूल है,
आपको वहाँ शिक्षा के लिए, जैसे सीबीएसई में बच्चे पढ़ नहीं पाते फीस की वजह से, यानी कह सकते हैं इंग्लिश मीडियम केवल नाम का है, पढ़ाई तो इंग्लिश मीडियम की होती है, लेकिन वहाँ पर आपको मिलेंगे ऐसे बच्चे, ऐसे गरीब तबके से लोग मिलेंगे जो कि आर्थिक परिस्थिति के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, ऐसे लिए हमारे भैया जी स्वयं एक प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हैं। एकदम एकदम, जब भी हमारे सहयोग की ज़रूरत होगी आप हमको कहीं भी याद कर सकते हैं और कभी भी बुला सकते हैं, हम हमेशा खड़े रहेंगे आप। धन्यवाद आपका और धन्यवाद हमारे जितने चैनल के दर्शक हैं, आप इनको बिचारे को एक बार दूसरे लोगों तक जरूर पहुँचाइए ताकि ऐसे लोगों का मनोबल हमेशा बढ़ा रहे, बढ़ता रहे, जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा में लगे हुए हैं, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में। जय हिंद, जय भारत।